अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। आज हम आपके लिए व्यूअर्स R6 2014 मॉडल लेके आए हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन का ये बाइक है, वेरी नीट बाइक विद ज़ीरो टच अप्स, टोटल अपने पेंट के अंदर बाइक है। और कंडीशन भी आपको इसके अपने कंप्लीट रिव्यू में दिखाएंगे, साउंड टेस्ट भी और प्राइस भी। बात कर लेते हैं कुछ जेनेरिक स्पेक्स के बारे में। R6 सिक्स स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन के साथ 4-स्ट्रोक EFI डॉग इंजन होता है, जिसके अंदर 16 टाइटेनियम बॉल्स दिए जाते हैं। वाटर कूल इंजन इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यानी कि EFI टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। और फ्रंट टायर की अगर बात कर ली जाए तो 120/70/17 का लगाया जा होता है इसका टायर। रेयर टायर की अगर बात कर ली जाए तो रेयर के ऊपर इसका 190/50/17 का टायर इंस्टॉल किया जाता है। फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात कर ली जाए, फ्रंट के ऊपर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है, जबकि रेयर के ऊपर आपको सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। सिक्स स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन के साथ एक काफ़ी पावरफुल बाइक है ये। पाकिस्तान के अंदर R6 को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक है। जितने भी जो है न्यू कमर्स इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जितनी भी यंग जनरेशन है, उसकी वजह इसकी एग्रेसिव लुक्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। व्यूअर्स, चलते हैं इस बाइक की कुछ मज़ीद डिटेल्स की जानिब और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। जी व्यूअर्स, ये है फ्रंट एग्रेसिव लुक्स, जिसको बड़ा पसंद किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। फ्रंट के ऊपर इसकी दो लाइट्स दी जाती हैं, क्रिस्टल बेस इसके अंदर लाइट्स दी जाती हैं और जिसके अंदर HIDs इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। फ्रंट के ऊपर इसका ब्लैक वाइजर दिया गया है, आफ्टर मार्केट ब्लैक वाइजर लगाया गया है। फ्रंट टायर की अगर बात कर लीजिए तो मिचलन का ब्रांड न्यू 120/70/17 का टायर लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट पे ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। अपसाइड डाउन शॉक इस बाइक के अंदर दिए जाते हैं। 4-स्ट्रोक EFI डॉग इंजन विद 4 सिलेंडर्स, आप देख सकते हैं। इसकी हेडर्स की कंडीशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म का कोई डस्ट कोई कुछ नहीं है। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर कंडीशन का आपको यहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है। वाटर कूल इंजन और रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। साइड से भी कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैट ग्रे एंड गोल्डन का टच दिया गया है और मेरा ये फेवरेट कलर है। इसके अंदर और भी दो कलर आते हैं, रेड वो भी बहुत खूबसूरत है और एक वाइट ब्लू, तो ये तीनों कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बट मैट ग्रे की एक अपनी ग्रेस है। इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं व्यूअर्स, आप क्रैश गार्ड्स लगाए गए हैं, उसके अलावा M4 का एग्जॉस्ट लगाया गया है। व्हील स्पूल्स इस बाइक के ऊपर लगे हुए हैं। रेयर के ऊपर 190/55/17 का टायर लगाया गया है। अनरजिस्टर्ड ये बाइक है और कंडीशन वाइज बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी किस्म का कोई टचअप इस बाइक के अंदर मौजूद नहीं है। ये व्हील स्पूल्स आप देख सकते हैं, चेन स्प्रॉकेट की कंडीशन आप देख सकते हैं, एक पावरफुल मोनोशॉक यहाँ पर हमें दिया जाता है। और फ्रेम की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, फुट पैक्स की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन, किसी किस्म का कोई निशान कोई स्क्रैच मौजूद नहीं है। साइड्स भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेश हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन का ये बाइक है। 6-स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन के साथ इसका यहाँ पर गियर दिए जाते हैं हमें। और टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली 290 किलोमीटर पर आवर करने की आप ये बाइक टॉप स्पीड सलाहियत रखता है। यहाँ पर व्यूअर्स, आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट करनी है। हमारे जितने भी नए दोस्त नए बाइकर्स इस कम्युनिटी में ऐड ऑन होते जा रहे हैं, उनके लिए 299 मीटर लॉक,
बहुत बड़ी फैसिनेशन है। और हमारे कुछ बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ही प्यारे दोस्त ऐसे भी व्लॉगर्स जो कि काफ़ी प्रोफेशनल बाइकर्स हैं और उनका एक अच्छा रेपुटेशन भी है, और वो जब अपनी व्लॉग्स के अंदर 299 की मीटर दिखाते हैं तो बहुत सारी यंग जनरेशन की कोशिश होती है कि हम भी इनको फॉलो करें और यही करें। तो उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो अपने व्लॉग्स के अंदर अपनी टॉप स्पीड दिखाते हैं तो ज़रूर अपने व्यूअर्स को ये इस चीज़ का से आगाह करें कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, जो कि जब तक एक प्रोफेशनल राइडर नहीं है आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और ताकि यंग जनरेशन जो आ रही है, यंग बाइकर्स जो आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी सेफ रह सके। वंस यू आर प्रोफेशनल बाइकर उस वक्त बिल्कुल आप ऐसे काम करें, लेकिन वो अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वंस यू आर प्रोफेशनल बाइकर्स तो उस वक्त आप ऐसे काम करें तो एटलीस्ट आप बाइक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट उन व्लॉगर से भी है और हमारे आने वाले यंग बाइकर्स के लिए भी है कि बी केयरफुल, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब भी बाइक चलाएं ये चीज़ जरूर ज़हन में रखें कि ऐसी स्पीड पे बाइक चलाएं जो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकें। तो व्यूअर्स ले चलते हैं जी अब आपको अपने दोबारा से रिव्यू की जाने। इसकी राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है, और यहाँ पर आपको इसके डेम हाई की, इंडिकेटर्स की और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। कंडीशन वाइज आप बाइक देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बाइक है। मीटर की जानिब लेके चलते हैं व्यूअर्स, तो इसकी मीटर के ऊपर आपको 9761 की माइलेज नज़र आती है, बट यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स कभी भी माइलेज की गारंटी नहीं देता, बिकॉज ये पाकिस्तान के अंदर यूज मोटरसाइकिल है एंड वी आर नॉट श्योर कि किसी ने इसका बाइक की माइलेज रिवर्स की है या नहीं, बट बाइक इज ओवरऑल कंडीशन इज वेरी गुड, वेरी नीट, 10/10। मीटर के अंदर आप देखते हैं जी, अब आपको यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस दी जाती हैं। यहाँ पर आपको ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप ए की ऑप्शन दी जाती है, टेम्परेचर गेज की ऑप्शन दी जाती है, उसके अलावा यहाँ पर आपको आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, किलोमीटर पर आवर की ऑप्शन दी जाती है, और क्लॉक की ऑप्शन दी जाती है। चलते हैं व्यूअर्स इसके साउंड टेस्ट की जाने। जी तो व्यूअर्स ये था इस बाइक का साउंड टेस्ट कंप्लीट रिव्यू। अब बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सेल के लिए हमें भिजवाया है और रावलपिंडी से बाहर से ये बाइक आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल अपने पेंट में ओरिजिनल कलर का ये बाइक है, 2014 का ये मॉडल है, 2018 की इम्पोर्ट है, और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 21 लाख रुपये की जा रही है। 21 लाख रुपीज़ इस बाइक की आस्किंग प्राइस है, और इसको परचेज़ करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पर विजिट भी कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 03215400001 पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह आने के बाद।